दोस्त, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपकी बहुत सारी शॉर्ट सर्विसेज हो रखी हैं, शॉर्ट सर्विस इन द सेंस कि आपने कोई कंपनी में 1 महीने जॉब किया है, किसी में 3 मंथ्स का, किसी में 4 मंथ्स का, किसी में 6 मंथ का, अलग अलग तरीके के अगर शॉर्ट सर्विसेज आपकी हैं किसी भी एम्प्लॉयर के लिए, तो उस केस में आपको जॉब कैसे मिलेगी एंड कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपसे रिक्वायर्ड होंगे, वो चाहे स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए हो सकता है या आप एक मल्टीनेशनल कंपनी के लिए मान लो। तो दोस्त, मैं बता दूं कि शॉर्ट सर्विस अगर आपके पास है तो उससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उससे आपको प्रॉब्लम नहीं होती है। हाँ, उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती कि नहीं कि आपको जॉब ही नहीं मिलेगी। थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है जो कि आपको जस्टिफिकेशन देना पड़ता है कि शॉर्ट सर्विसेज आपकी हैं क्यों, बट ये मतलब नहीं होता शॉर्ट सर्विस का बिल्कुल भी कि आपको कभी जॉब ही नहीं मिलेगी। सेकेंड चीज़ यहाँ पे क्या होता है कि आपकी जो शॉर्ट सर्विस होती है, उस शॉर्ट सर्विस में क्या होता है कि आपके पास प्रूफ होना चाहिए। प्रूफ इन द सेंस कि अगर आपने कहीं 1 महीने, 3 महीने या 4 महीने जॉब करी है, तो उसका आपके पास ऑफर लेटर होना चाहिए, ज्वाइनिंग लेटर होना चाहिए एंड आपके पास उसका एक्सपीरियंस लेटर होना चाहिए, एब्सकॉन्डिंग लेटर होना चाहिए, टर्मिनेशन लेटर होना चाहिए। तो बेसिकली इन तीनों लेटर्स में क्या डिफरेंस होता है, मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया, आप चाहो तो अभी मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो कि एक्सपीरियंस, टर्मिनेशन या एब्सकॉन्डिंग में क्या डिफरेंस होता है। तो ये अगर लेटर्स आपके पास सारे हैं तो समझ लो आपकी 99% प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। 1% आपको वही सिर्फ जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा कि आपकी शॉर्ट सर्विसेज क्यों हुई हैं। एंड ये प्रॉब्लम आपको आने वाली है MNCs कंपनी के लिए, मल्टीनेशनल कंपनी के लिए, जहां पे आपको जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा। नॉर्मली आप मिड लेवल के ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे, तो वहां पे इतना ज़्यादा जस्टिफिकेशन नहीं आपको देना पड़ता है। बट एक यहाँ पे कैच है सबसे बड़ा कि अगर आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं सारे के सारे, एक्सपीरियंस, टर्मिनेशन, अब्सकॉन्डिंग, जो भी आपको कंपनी से मिला है, ऑफर लेटर, ज्वाइनिंग लेटर, ये सारे डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास हैं, तो मल्टीनेशनल कंपनी में वो डॉक्यूमेंट्स आपके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट क्रिएट करेंगे एंड आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन तभी होगा, क्योंकि आप ये मान के चलो कि जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनी है ना, वो 90-95% कंपनीज क्या हैं, आप अगर आपको कंसीडर कर रहे हैं तो आपके पास कोई ना कोई एक जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स उस कंपनी का होना चाहिए, नो मैटर कि वो टर्मिनेशन लेटर या एब्सकॉन्डिंग लेटर। तो आपके पास डॉक्यूमेंट्स तो होना चाहिए मल्टीनेशनल में जाने के लिए, और बैकग्राउंड वेरिफिकेशन आपका उसी के बिहाइव पे होगा। तो मैक श्योर आपका किसी भी तरीके का अगर टर्मिनेशन, एब्सकॉन्डिंग हो रहा है कुछ भी, तो आप उस कंपनी से डॉक्यूमेंट्स जरूर लें। और ये कंपनी की अथॉरिटी होती है या एक रूल होता है कि आप या तो टर्मिनेट हो रहे हो या एब्सकॉन्ड हो रहे हो, तो उस केस में भी कंपनी को आपको लेटर देना होता है, तो वो लेटर आप कंपनी से ज़बरदस्ती ले सकते हो या उनसे बोल के ले सकते हो। एंड स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन की अगर मैं बात करूँ, तो वहाँ पे अगर कई परसेंट के केस में अगर आपके पास लेटर नहीं है तो आपको जॉब तब भी मिल जाती है, तो वो वेरी करता है स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में, वहाँ पे आपके चांसेस भी ज़्यादा होते हैं जॉब मिलने के, लेटर नहीं भी है तब भी आपको मिल जाती है, बट MNCs में आपके पास लेटर होना बहुत ज़रूरी है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, बाकी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी है तो स्क्रीन पे मेरा नंबर आ रहा होगा, वहाँ पे मुझे आप व्हाट्सअप कर सकते हो, बट वो एज अ कंसल्ट चार्जेबल कॉल होती है। एंड इसके अलावा अगर आपका कुछ भी कमेंट या क्वेरी है तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं उसका रिप्लाई जरूर देता हूँ। मेरा नाम है शुभम, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट मोमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग।